प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंपॉर्टेंट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे साजिद तारस साहब को, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही गहरी नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। इस वक्त भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो भारतीय, बल्कि मैं उसको डायस्पोरा नहीं कहता, भारतीय टेक्नोक्रेट्स, उसको रिप्लेस किस तरह करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ को किस तरह रिप्लेस करेंगे? वो जो स्ट्रेंथ है सिलिकन वैली के अंदर इस वक्त आपकी, जो इंडियन बैठे हैं, वो किस तरह रिप्लेस होगी? वो एज है, वो एक ऐसा कार्ड है भारत के पास। रामास्वामी को किस तरह कैबिनेट में, रामास्वामी जो है वो विवेक रामास्वामी अब कैबिनेट में आएंगे, वो उनको किस तरह रिप्लेस करेंगे? ये एक मैं चीज कहता हूं हमेशा, खुदा रहा, मैं आपके मुझे पता है कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े सारा दिन मेरे खिलाफ बातें करते हैं, क्योंकि मैं उनको हमेशा कहता हूँ इंग्लिश और मैथ पढ़ो, और वो नहीं पढ़ना चाहते, वो जिहाद के चक्कर में रहना चाहते हैं। मैं खुदा रहा इनसे कहता हूँ कि तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। भारत का टूल जो सर चढ़ के जादू बोल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल रहा है, विवेक रामास्वामी के बारे में पढ़ो। मैंने खुद अपने बच्चों को किताबें ले जाके दी थी विवेक रामास्वामी की, कि किस तरीके से जेंटलमैन इज 38 ईयर्स ओल्ड, और उनकी वेल्थ देखो और उनके वालिद की हिस्ट्री देखो, एक रिमार्केबल। उसको विवेक रामास्वामी को एज ए हिंदू ना देखो, उसको एज ए देखो कि उसने ग्रो किस तरह किया। भारत को खुदारा हिंदू की नजर से देखना बंद कर दो, उसको टू नेशन थ्योरी पे ना चल, 76 साल हो गए, इसको कोशिश करो बंद करने की, उसकी तरक्की की किताबें पढ़ना शुरू। मैं कहता हूं तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, जो किताबें जो टेक्सला के अंदर सारी चीजें हैं उसके हिंदू का एक लेबल लगा के तो अपनी आंखें बंद कर लेते हो। हिस्टोरिकल लेंस से देखो, प्राइड फील करो उसके अंदर, जो अर्थशास्त्र है उसको पढ़ने, चीजें देखो कि आसपास क्या है। हर चीज को मजहब का रंग दे के बंद कर देते हो। खुदा रब सऊदी अरब आंखें खोल रहा है, देखें वो रमजान के अंदर वो मस्जिदों में उन्होंने बंद कर दी, इफ्तार बंद कर दी, वहां पे वो देखें वो किस तरीके से कहते हैं कि आफ्टर ऑयल हम क्या किस तरह सर्वाइव करेंगे। दुबई में जाके देखो कि तो वो किस तरह आगे वो तरक्की कर रहे हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है आप अभी जिहाद पे अड़े हैं, अभी आप टू नेशन थ्योरी से आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे, 76 साल हो गए। अब आप डिवाइड, आपका गुस्सा ही नहीं उतर रहा, आप गुस्से के मोड से नहीं पार आ रहे, आप सारी दुनिया से बाइकॉट करके नफरत करके कितना अरसा ये चलाएंगे आप? कोशिश करें कि यू बिकम अ वर्केबल पीपल। और देखें, अब मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, दूसरे IMF वाले आ रहे हैं, मैंने कल भी आपको कहा था कि आपके महंगाई का तूफान आएगा आपके कंट्री के अंदर, कुछ जुरत करके किसी वजह पूछ लें शहबाज शरीफ साहब से, दूसरे लोगों से, कि यार इस पैसे का क्या करोगे? आपके पड़ोस के लोग परेशान हैं। आज भारत अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रहा है IMF के ऊपर, के ये डिफेंस के ऊपर ना लगा दे 6-8 बिलियन, ये आर्मामेंट्स ना उससे खरीद ले, ये दूसरे कंट्रीज को पैसे ना देने शुरू कर दे, परेशान है वो अपने रिजर्व, हालांकि वो कर तो नहीं सकते क्योंकि IMF के अंदर 17% शेयर अमेरिका के हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे। और सुना है कि आपने डील बना लिया कि यूक्रेन को असलाह सप्लाई करेंगे, जिस वजह से IMF सॉफ्ट हो चुका है आपके साथ। लेकिन खासकर मैं ये बताऊं, 70 बिलियन से ज्यादा लोन है आपका इस वक्त, 70 बिलियन किस तरह वापस करेंगे आप? कोई है स्ट्रेटजी? आप मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब या कोई भी इस वक्त जिंदा पाकिस्तानी के पास है कोई इस तरह की पॉलिसी कि वो 70 बिलियन वापस किस तरह करना है? कोई है किसी के पास? तो खुदा रहा ये जिहाद का मोड छोड़ो, ये इस तरह, ये ना आपके माजी में किसी ने किया है, आपको ये जो आपको लूटने वाले जिनके सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, वो आपको जिहाद की गेम में रखना चाहते हैं। खुदा रहा अपनी किस्मतों के फैसले खुद करना शुरू करो। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे, एक बात में बड़ा इस वक्त मैं बिल्कुल टोटल ज्यादा मायूस नहीं हूं, उसकी वजह ये है कि लोगों ने जो जिस तरह मेरे मुर्शिद भी कहते हैं कि हमने 9 मई का जो है 8 मई को रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने 9 मई को मेरा जो है उसको उन्होंने बैलेट, लोगों ने वोट डाले हैं, और खुदा रहा जब पीर साहब समझ के ना उन्होंने पाओ जे ये वोट पा रहे हो, अपनी किस्मत के वोट भी खुद डालो, अपने बच्चों के वोट भी खुद डालो, उनको मैथ पढ़ाने की कोशिश करो, उनको गजवा हिंद ना सिखाओ। तुमने नहीं, तुम्हारे माजी में ये चीजें नहीं की, तुमने मुगलों के सामने सरेंडर किया था, पठानों के सामने
अब्दाली के सामने आप लेट जाते थे भाईजान, आपने मजहब तब्दील कर लिए थे पठानों के कहने पे जूतों के उनके खौफ से। तो खुदा रहा ये इस तरह ना करो, अपने डीएनए को समझने की कोशिश करो और तरक्की की तरफ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, रमजान आने वाला है, कोशिश करो कि इस महीने में लूट मार कम करो। मैं जो आपका एक पाकिस्तानी हर बंदा कहता है, कहते हैं इस महीने के पाए जाने 11 महीने के पैसे बनाने, खुदा रहा ये स्लोगन छोड़ो, दिस इज नॉट द रमजान इज अबाउट, इसकी फिलॉसफी समझने की कोशिश करो। अब रमजान इज नॉट अबाउट डाइटिंग प्लान, आंख का रोजा रखो, नियत का रोजा रखो, स्पिरिचुअलिटी में जाओ, उसको हम्बल हो जाओ और शाम को अपने पड़ोसी को जाके कोई अगर भूखा है तो उसको देने की कोशिश करो। दैट इज रमजान, दैट इज रमजान। अदरवाइज ये डाइटिंग प्लान कर रहे हो, एक मैं गारंटी कर देता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में खुद आजमा के देखा है चीमा साहब, ये मना दे सौदे ने, मना दे सौदे ने। मैं इस दफा कुछ चीजें भारत से सीख कर आया हूँ जो अमृतसर इस दफा मैंने सीखा है। मैं इस पे कंक्लूड करना चाहूंगा चीमा साहब, आई विश मैंने अमृतसर से सीखा था, मन नीमा ते मत उची, मन नीमा मत उची, मन नीमा करो मत ऑटोमेटिकली उची हो जाती, मत दा राखा वाहेगुरु, मत दा राखा, मत दा राखा आप वाहेगुरु, मन नीमा मत उची, मन नीमा करो इस रमजान में खुदा के लिए अगर कर सकते। डॉक्टर साहब वो ठीक है आपकी बात, आखिरी बात आपसे करूंगा, वो इंडिया ने 10,000 फौजी भेज दिए चाइनीज बॉर्डर पे, वो एक नई लग रहा है कोई एस्केलेशन है, 21 राउंड जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के हैं वो नाकाम हो गए हैं, सो लग तो ये रहा। और ये सुना है 10,000 फौजी पाकिस्तानी बॉर्डर से निकाल के उन्होंने उधर लगाए हैं, आप क्या कोई एस्केलेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि हाउ डू यू सी दिस? मैं आज सुबह मैं सारा उस पर मैंने देखा है कि किस तरीके से डिप्लॉयड हुए हैं, बल्कि उसके ऊपर मैंने जयशंकर साहब की स्टेटमेंट भी देखी है कि उन्होंने कहा कि इट्स देयर बट इट्स नॉट वरीसम, ये उनकी स्टेटमेंट थी। मेरे ख्याल में इस जस्ट अ शो ऑफ थिंग, लेकिन ट्रेड वैसे ही उनका चल रहा है और हो सकता है कि इस पे कोई मुझे तो कई दफा इसमें से कहते हैं स्मेल रैट आउट ऑफ इट, रीजन ये है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये भी है कि आप लद्दाख वाली साइड से एंगेज करें इंडिया को, चाइना को मेरे ख्याल में, लेकिन ये कि नहीं मेरे ख्याल में नहीं है इस वक्त, इलेक्शन भी तो है, ये भी तो सोचना चाहिए, इलेक्शन भी है और इलेक्शन की वजह से कई चीजें आउट ऑफ नॉर्म भी होती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बोथ कंट्रीज दे आर बोथ, चाइना की इकॉनमी स्लगेश है, चाइना कैन नॉट अफोर्ड एन कॉन्फ्लिक्ट और एनी एक्सरसाइज की, और भारत इज राइजिंग एट द सेम टाइम 8.4% इकॉनमी को, वो भी चाहेंगे कि इस पर कोई शाक ना आए। मैं नहीं समझूंगा कि बोथ कंट्रीज आर वेरी वाइज, और बोथ कंट्रीज ने जो दोनों भारत और चाइना के अंदर एक चीज जो कॉमन है चीमा साहब, शॉर्ट पीरियड के अंदर इकॉनमी वेरी शॉर्ट पीरियड। भारत की हिस्ट्री देखी जाए 1990 के बाद से आज तक सारा कुछ हुआ है, और यही चाइना के अंदर भी हालात है, उन्होंने भी तकरीबन 20 से 30 सालों के अंदर इकॉनमी राइज की है। जिन लोगों ने इस तरह जिनकी नजर इकॉनमी पे हो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, कॉन्फ्लिक्ट में जाने से इकॉनमी रुक जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, इलेक्शन है शायद वो हो या कुछ अमेरिका का प्रेशर हो, इसके अलावा मैं समझता हूँ अपने सारे एग्ज एक बास्केट में डाले हुए थे इंडिया के साथ, और उसमें उन्होंने रिफ्यूज किया, नहीं इंगेज हुए वो, और उसी वजह से, और दूसरी जो ये अंतर इंटरनल जो थे खालिस्तान के हवाले से, और उसके बाद चाइना फॉरन भारत जो है उसने अपने सेकंड ऑप्शंस पे रशिया के साथ ज्यादा डायलॉग शुरू कर दिया चीजें, जिससे अमेरिकन्स दे वर डिसअपॉइंटेड, तो उसमें शायद वो हो सकता है, पॉसिबल है, मैं तो ये मेरा गैस ही है। लेकिन फॉरन इलेक्शन एक मैंने आपको बताया इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी जाहिर है थोड़ा बहुत प्रेशर चीजें होती हैं सामने। दूसरा मोदी साहब का बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था कश्मीर का, वहां पे गए, कश्मीर में डेवलपमेंट है वहां पे इलेक्शन की वजह से। मैंने अमार ग्रुप को बड़े करीब से देखा, मैं जब इस वक्त मिडिल ईस्ट में था तो अमार ग्रुप पे वहां पे माल ऑफ कश्मीर बनाने के लिए तैयारी है उसकी वहां पे, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिप्लोमेट ही है सिर्फ, इससे आगे मजीद नहीं जाएंगे। मैंने आज सुबह जो स्टेटमेंट आपको बताया कि मैंने जयशंकर साहब की सुनी है, उन्होंने कहा इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, वी आर जस्ट वॉचिंग थिंग्स वेरी क्लोजली। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह साजिद ताड़ा साहब का एनालिसिस और उनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, जहां पे साजिद ताड़ा साहब ने न सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बात की भारत की जो सॉफ्ट पावर है,
जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज हो या फॉर्च्यून 500 कंपनीज हो, ज्यादातर कंपनीज के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं। तो इसी के बारे में साजिद तारा साहब ने बात की और अपने भारत के विजिट से लेके प्रधानमंत्री मोदी पे भी चर्चा की, और खासकर जो भारत ने अब चाइना बॉर्डर पे अपनी जो फौज है उसको डिप्लॉय किया है उसके बारे में भी आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।